नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, में हूं पिनाज त्यागी। इंडिया गेट पर 50 सालों से अखंड रूप से जल रही अमर जवान ज्योति आज इतिहास बन गई। वतन के लिए बलिदान देने वाले शहीदों का अब एक नया पता हो गया, नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया। लेकिन इस फैसले को लेकर देश की सियासत खूब गरमाई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है, वहीं इस पर सेना के पूर्व अफसरों ने क्या कुछ कहा। क्या वाकई में शहीदों की इस अमर ज्योति पर सियासत की जरूरत है? इंडिया गेट पर प्रज्वलित होने वाली अमर जवान ज्योति की लौ नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिल तो गई, लेकिन इसकी आंच से देश की सियासत तपने लगी। अमर जवान ज्योति के इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल शिफ्ट होने के फैसले को केंद्र सरकार सही ठहरा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तो इसे शहीदों का अपमान बता दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। राहुल के इस ट्वीट के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगा दिया कि ये कदम सैनिकों के बलिदान के इतिहास को मिटाने की तरह है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 7 दशक तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाने वाले अब शोर मचा रहे हैं। किसी भी देश या कोई भी देश अपने गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ कर उसको मिटाकर भविष्य की नींव नहीं रखता है, और वही काम भाजपा कर रही है। हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, वो अमर जवान ज्योति बलिदान की शहादत का प्रतीक था, और उसको बुझाकर या जो कुतर्क दिया जा रहा है विलय करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीतिक लोग बुझ रही है, क्योंकि नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व के प्रति देश में छोड़ो पार्टी में विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए अमर जवान ज्योति के नाम पर भ्रम फैला कहा जा रहा। पवित्र ज्योति पर राजनीतिक रोटियां होची राजनीति की जा रही है। ना ज्योति बुझी थी ना बुझेगी, ज्योति जल रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इसको लेकर मोदी सरकार को घेरा है। आरजेडी ने तो बीजेपी की मोदी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए, ये तोहमत जड़ते हुए कि मौजूदा सरकार में अतीत के गौरव के साथ लगाव की भावना नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में नहीं रहा, इसकी वजह से एहसास कमतरी भी होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि 50 वर्षों से जो लौ जल रही थी उस लौ को आप बुझा दें। ये इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। ईश्वर के लिए एक बार सोचिए कि आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी और कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति के साथ विलय हुआ है। केंद्र की तरफ से इसके पीछे तर्क भी दिया गया है। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति 1971 और दूसरे युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि तो देती थी, लेकिन उसमें से किसी भी शहीद का नाम यहाँ पर नहीं लिखा था। इंडिया गेट पर अंकित नाम केवल उन शहीदों के हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में ये हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। राजनीतिक विवाद जब बढ़ा तो इस मुद्दे पर पूर्व सैन्य अफसरों के बयान भी सामने आए। पूर्व सैन्य अफसर इस मसले पर क्या बोल रहे हैं वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति साल 1972 से जल रही थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की याद में इसे प्रज्वलित किया गया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों का सम्मान करते रहे हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे सभी महत्वपूर्ण दिनों में भी तीनों सेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं।
लेकिन 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की शाश्वत लॉ में मिला दिया गया। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया के उलट सेना के कई रिटायर्ड अफसर इसे सही कदम बता रहे हैं। कुछ पूर्व सैन्य अफसरों का कहना है कि इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया हुआ युद्ध स्मारक है, जिसके नीचे रखी अमर जवान ज्योति 1971 में शहीद जवानों की याद में रखी गई। वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल उन सभी जवानों के लिए है जो 1947 से अब तक के युद्धों में देश के लिए शहीद हुए। अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज़ है। यही हम चाहते थे। जब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन मैंने करवाई है एज चीफ ऑफ आईडीएस, और उस दौरान जितनी डिस्कशंस हुई, बात आपस में डिसीजंस हुए, ये बिल्कुल एक बिफिटिंग और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े, वे मरकर भी अमर हैं। अमर जवान ज्योति पर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नया ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा तैयार नहीं होती, तब तक वहां नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा जगमगाएगी। टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के चुनावी दंगल में वादों और दावों के शोर के बीच बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुख्यमंत्री के दावेदार तोते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि कांग्रेस ने आज दिल्ली से यूपी के लिए जब यूथ मैनिफेस्टो जारी किया तो खास बात यह रही कि बातों बातों में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की यूपी सीएम की दावेदारी को लेकर इशारा भी दे दिया। यूपी को खुशहाल बनाने बहन प्रियंका आई है। देश प्रदेश में अब बहनों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर मौका कांग्रेस के यूथ मैनिफेस्टो जारी होने का था, जिसमें कांग्रेस ने यूपी में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया, जिसमें से आरक्षण के तहत 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। लेकिन जब प्रियंका गांधी से सवाल यूपी में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर हुआ तो उन्होंने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दागने में देर नहीं लगाई कि उनके अलावा क्या कोई और चेहरा दिख रहा है क्या? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। तो क्या प्रियंका का ये जवाब अपने आप में ये इशारा है कि यूपी में पार्टी का सीएम फेस वही होंगी? कुछ राजनीतिक पंडित तो प्रियंका के इस बयान को मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तरह चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने चुनाव में उतरने के कोई संकेत नहीं दिए। नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा, अभी तक ये हमने तय नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में चंद सीटों पर सिमट कर रह गई है, प्रियंका गांधी यूपी में लंबे समय से कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटी हुई हैं। इस चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर नारी शक्ति को साध रही हैं। ऐसे में उनके सीएम फेस वाले बयान के बाद माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। हालांकि इस पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्रियंका के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब तक प्रियंका ने इशारों में भी ऐसी बात नहीं कही थी। हाँ, झूठ बोलने वाली तो मैं वही है, खाली सारा झूठ बोलना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं वो वहाँ पर, और राजस्थान के अंदर किस प्रकार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिए परिवार तो मैं ही मर रहा है, ये मैं के अंदर ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर में एक ही चेहरा है जिसका नाम श्री अखिलेश यादव जी है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, चाहे कोई भी कुछ पर करता रहे। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी जीतेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे।
फिलहाल अपनी 8 चुनावी प्रतिज्ञा को लेकर प्रियंका गांधी यूपी के सियासी महासमर में हुंकार भर रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ महिला कार्ड चलने वाली प्रियंका अब खुद को सीएम की रेस में भी बता रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी सेहत दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहद कमजोर नजर आती है। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 114 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। तब कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी और उसे 6.25% वोट मिले थे। अब देखना होगा कि प्रियंका इस बार के चुनाव में पार्टी के गिरते ग्राफ को कितना ऊपर ले जाती हैं और 1989 से सत्ता से बाहर कांग्रेस का सीएम फेस होने के दावे को किस मुकाम तक पहुंचा पाती हैं। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और बात एक और चुनावी राज्य की करते हैं, पंजाब, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार ने कि यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का मामला अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। विरोधी पार्टियां सीएम चन्नी पर हमले तेज कर चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस चन्नी के छवि मेकओवर के लिए दलित कार्ड खेलने की तैयारी में है। सीएम चन्नी भी आक्रामक होकर विरोधियों को मानहानि के मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। गलती हो सकती कि मैं अपने रिश्तेदारों से नज़र नहीं रख सकिया, लेकिन मेरे नाल क्या है, मेरे नाल क्यों जोड़ रहा बिना मतलब दे। पंजाब कांग्रेस से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहाँ हुई ईडी की रेड का मुद्दा अब सियासी बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई, तो वहीं खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने 5 मंत्रियों को साथ लाकर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तोहमत चढ़ दिया कि केंद्र सरकार उन्हें उस मामले में फंसाने की साजिश रच रही है। तो वहीं बीजेपी चन्नी पर आरोपों के तीखे तीर छोड़ रही है। नहीं, पैसे जो नोट पकड़े गए असली है नकली है, उनसे पूछो असली है तो कहां से आए, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता ये पूछने का कहां से आए, आपने गलत काम किया है तो फिर काय का घबराना आपको, अगर आपने नहीं किया तो काय को घबराते हो, और किया है तो सरकार अपना काम कर रही है। सियासी वार पलटवार के बीच ईडी की छापेमारी के इस मामले की गूंज चुनाव आयोग तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस ने चन्नी के समर्थन में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं छापेमारी में शामिल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अब जिस तरह से पंजाब कांग्रेस और चन्नी ईडी की रेड से विवादों में हैं, इसलिए उनकी छवि को मेकओवर करने के लिए कांग्रेस दलित कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत हुई पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस बयान से, जिसमें उन्होंने ईडी की रेड को दलित पर अटैक बताया। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है और चुनाव की हार सामने देखकर अब वो बदनाम करने के षड्यंत्र में लगे हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की करीब 4 महीने पहले जब कांग्रेस ने पंजाब में ताजपोशी की थी, तो माना जा रहा था कि ये उसका मास्टर स्ट्रोक है। दलित समुदाय से आने वाले चन्नी को सीएम बनाया जाना पार्टी की बड़ी पहल थी। तब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी, लेकिन अब सीएम के रिश्तेदार के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर हमले तेज कर दिए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि हमारा सर्वे दिखा रहा है कि चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। टीवी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अफसरों द्वारा इतनी मोटी मोटे नोटों की गड्डियां गिनते देख लोग सदमे में हैं। जो 111 दिन में एक भतीजे के पास 10 करोड़ रुपए और 56 करोड़ की एंट्रियां आ गई, अब आप सोचिए चन्नी साहब के 111 दिन के सीएम के कार्यकाल में, 111 दिन वो सीएम रहे, अगर एक भतीजे के पास करोड़ों रुपए की दौलत आ गई तो सारे रिश्तेदारों और पूरे परिवार की संपत्ति जोड़ दें तो इन्होंने 111 दिन में क्या कमाल किया होगा। और अगर एक भतीजे ने इतना कमा लिया तो खुद मुख्यमंत्री ने कितना कमाया होगा। इससे पहले केजरीवाल ट्वीट कर चुके हैं कि चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के तेज होते हमलों के बीच सीएम चन्नी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। मेनू कादे वास्ते कड़ीस रहे हैं, पैसे किसे ने फड़े, किसे दे फड़े, 10 जगह पंजाब दे विच रेड हुई, मेनू कादे वास्ते लिंक कर रहा,
जे मेरे तो पैसे फड़े होंगे तो ईडी मैनू चकती मेरे घर रेड कर दी। लेकिन मैं अपनी पार्टी नू बेनती की है कि मैं परमिशन दो, मैं ये मानहानि का दावा करना है। सियासी जुबानी जंग के बीच एक बार इस पूरे मामले पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल सीएम चन्नी के भांजे और उनके साथियों से ईडी ने 10 करोड़ रुपए कैश, 12 लाख की रोलेक्स घड़ी, 21 लाख का सोना समेत कुछ अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। विरोधी शक जता रहे हैं कि सीएम चन्नी के रिश्तेदार से बरामद पैसा कहीं चुनावों में तो इस्तेमाल नहीं किया जाना था। फिलहाल ईडी की रेड के बाद विरोधियों के तीखे हमलों और सिद्धू के बगावती तेवरों की वजह से कांग्रेस पंजाब में अब बैकफुट पर नजर आ रही है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। अरे अब बात बिहार की करते हैं, जहां शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। खबर है कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि शराबबंदी को लेकर सख्ती दिखाने वाले नीतीश के तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं? शराबबंदी के लिए तो एक बात है कि इसको करना है, जो कुछ भी करना ही करना। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्ती दिखाने वाले सुशासन बाबू इन दिनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सियासत से लेकर अदालत तक सवालों से घिरने के बाद बिहार सरकार 2016 से लागू राज्य के शराबबंदी कानून में 6 वर्षों बाद फिर बदल कर सकती है। इसके लिए बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाने की पूरी तैयारी हो गई है। साल 2016 में इसी बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विधेयक लाया गया था। ये कानून बनाया गया था कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गई, मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के हालात बिहार में हुए हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में 50 से ज़्यादा लोगों की तथाकथित जहरीली शराब से मौत हो गई है, इसके बाद सरकार अब इसमें संशोधन लाने को सोच रही है। जी हाँ, खबर ये है कि सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है और बजट सत्र में इसी विधानसभा में एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। कुल 13 पॉइंट्स पर बड़े बदलाव किए जाने हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेकर छोड़ सकते हैं, लेकिन रिपीटेड जुर्म करने वालों को जेल भेजे जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है। शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों को पेनल्टी लेकर छोड़ने का भी प्रावधान नए संशोधन में हो सकता है। शराब से संबंधित केसों के जल्द निपटारे के लिए जिलों में कोर्ट की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था हो सकती है। शराबबंदी के समर्थन में नीतीश ने हाल ही में समाज सुधार यात्रा तक निकाली थी। 2 महीने पहले हुए शराब कांड के बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जिस इलाके में शराब मिलेगी उसके थानेदार तुरंत सस्पेंड होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि न शराब आने देंगे और न ही किसी को पीने देंगे। तो अब नीतीश के ये तेवर क्यों ढीले पड़ गए? क्या शराबबंदी कानून से नीतीश अपने ही जाल में फंस गए हैं? आपने 5 साल में कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने परिवार नकली शराब पी के मर गए क्योंकि शराब की उपलब्धता खत्म हुई। ये सोशल सामाजिक बुराई थी, इसके लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत होती है, सामाजिक सुधार की जरूरत होती है और उसकी संस्थाएं अलग होती हैं। वो संस्थाएं ये नहीं है जो आप समझते हैं। नीतीश कुमार के लिए पिछले 6 साल से शराबबंदी बेहद अहम रही है, लेकिन समाज सुधार के इस काम के लिए उनके कानून को कई स्तरों पर गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा है। सूबे में शराबबंदी के नाम पर 1 महीने में करीब 13,000 रेड होते हैं। शराब ढूंढने पुलिस दुल्हन के कमरे में पहुंच जाती है, जयमाला के दौरान बारातियों पर टूट पड़ती है। एक तरफ शराबबंदी में पकड़े गए लोगों से जेल में जगह कम पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अदालतों को भी जमानत की अर्जियों को निपटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही आए दिन जहरीली शराब से होने वाली मौतें भी नीतीश कुमार के लिए शर्मिंदगी की वजह बनी है। पिछले दिनों भी उनके गृह जिले नालंदा और सारण में लगभग 30 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। पिछले साल भी जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस पर पब्लिक का भरोसा टूट सा गया है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वही कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बिहार वासियों से आप माफी मांगिए कि हमसे गलती हो गई है और हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बिहार के वासियों से माफी मांगना पड़ेगा और नहीं तो खैर नहीं। हमको लगता है कि हजारों लोगों की मृत्यु होगी शराबबंदी के बाद। आपने कितने माफियाओं को जेल में डाला? पियक्कर तो आप लाख पियक्कर को अपने जेल में डाल दिया, माफिया तो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब तो पदाधिकारी भी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं, शराब पकड़ के लाते हैं, शराब बिकवा रहे हैं। बहुत से तो थाना प्रभारी, SP, DSP उसमें संलिप्त हैं।
विपक्ष कुछ भी कहे मगर जेडीयू तो अडिग है। शराबबंदी कानून से समझौता नहीं होगा, संशोधन हो सकते हैं मगर कानून हटेगा नहीं। खबर के टिकट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।